गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को वायरलेस सेट का वितरण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार खिचड़ी का मेला है। अन्य जगहों पर खिचड़ी का मेला कुछ दिन ही चलता है, लेकिन गोरखपुर शहर में 1 दिसंबर से शुरू हो जाता है और 20 फरवरी तक चलता है, जिसमें रविवार और मंगलवार को यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर देश विदेश तथा देश के अन्य राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर खिचड़ी चढ़ाते हैं। सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नगर निगम प्रशासन अधिकारियों व कर्मचारियों का ड्यूटी लगता है। अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच आपस में बातचीत समय पर हो सके, जिसके लिए वायरलेस सेट का वितरण किया गया है, जिसका शुभारंभ हुआ है। इस वायरलेस सेट के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों से संपर्क स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी, परिवहन निगम के RM के तिवारी, योगी सोमनाथ सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, प्रशासन इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि जिला है हमारा पिछली वर्षों की तुलना में और भी ज़्यादा जो हर समय इससे जुड़े रहेंगे। धीरे धीरे हम सारे अधिकारियों को सारे कर्मचारियों को इससे जोड़ लेंगे। ये हम लोगों ने इंदौर गए थे, वहाँ पर जाके सीख किया है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर भी लागू किया है। आप पीटी जी भी पूछ करिए तो बगल में जमाना है। हेलो हेलो कुछ भी बोलोगे? हेलो जी साहब, कहाँ पे आप? कहाँ पे आप? कौन सा बात सोच रहे हैं? आप उसको दोस्तों मेयर आयुक्त साहब आपका स्वागत है। पीटी जी दबा के आयुक्त साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डब्बा नहीं, डब्बा मेले को लेकर आज वायरलेस सेट का यहाँ से कुछ शुभारंभ किस तरह से कार्य करेगा? जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, जो गोरखपुर का सबसे जो सर्व प्रमुख त्यौहार है, पर्व है, वो खिचड़ी का मेला है। और जगहों पे खिचड़ी का मेला कुछ दिनों चलता है, लेकिन गोरखपुर शहर में जो खिचड़ी का मेला है वो 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाता है और लगभग 20 फरवरी तक लगातार चलता है, जिसमें से मंगलवार को और रविवार को यहाँ पर पैर रखने तिल रखने तक की जगह नहीं होती है। और बहुत ही बड़ी संख्या से पूरे पूर्वांचल से, पूरे प्रदेश से और यहाँ तक कि जो पूरे देश से, साउथ से ख़ास तौर से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहें, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन बहुत बड़ी संख्या में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाता है और इनके बीच में एक आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहे और मंदिर प्रशासन के बीच में कोई भी दिशा निर्देश हो वो हमारे सर अधिकारियों के पास तुरंत पहुँच जाए। इसके लिए अभी हम लोगों ने एक मोटरोला कंपनी का वायरलेस सेट अपने सभी अधिकारियों को और हमारे जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको उपलब्ध कराया है और आज उसी की हम लोगों ने यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे थे और निश्चित रूप से ये टेस्टिंग सफल रही है। और इस वायरलेस सेट आ जाने के बाद से जो नगर निगम प्रशासन का जो प्रबंध तंत्र है, उसकी जो प्रबंधकीय व्यवस्थाएं हैं, और भी चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी और हमारे बीच में कहीं भी मंदिर प्रशासन से भी किसी प्रकार की कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं रहेगी और हम सभी लोग मिलकर इस जो खिचड़ी मेले को और भी पहले के वर्षों की तुलना में और भी अधिक भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में इसको मनाएंगे।